खबर सारण बिहार से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और छपरा से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने रविवार को अपने आवासीय परिसर अमनौर में पत्रकारों से बात करते हुए विपक्षी एकता की हुई बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि पटना में दो चीजें हुई हैं। एक तरफ विदेश मंत्रालय की G20 की बैठक हुई तो वहीं दूसरी तरफ P20 की बैठक हुई, जिसमें G20 तो पास हो गया लेकिन P20 पूरी तरह फेल हो गया। आगे उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता का जो प्रयास है वो और कुछ नहीं, केवल विरोधाभास है। लेकिन लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा खतरा है। जिस तरह से इंदिरा गांधी जी के समय देश में इमरजेंसी लगा और देश की मर्यादा और लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया था, आज देश उस काला अध्याय को स्मरण कर रहा है कि कैसे उस समय लोकतंत्र को कुचला गया, कैसे लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया, बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई। इस तरह से कांग्रेस का शासन था, ठीक उसी तरह का अध्याय नीतीश कुमार जी पटना में किए हैं, जो कि भारत में काला अध्याय के प्रारंभ की चेष्टा है। भारत की सरकार देश की प्रगति के लिए तीव्रता से काम कर रही है और पटना में P20 की जो बैठक है वो शुरुआत के पहले ही फेल कर गई है। आगे रूडी ने बताया कि कैसे उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की सहायता से दक्षिण अफ्रीका में फंसे हुए बिहार के छपरा के लाल को अपने देश में गांव वापस लौटने में सहायता की। सारण बिहार से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। भारत के इतिहास में एक काला दिन, जिस दिन लोकतंत्र और उसकी मर्यादा को समाप्त कर दिया गया था 25 को, जब देश में इमरजेंसी लगाया और आज उसी के संदर्भ में पूरा देश एक बार उस काले अध्याय को स्मरण कर रहा है और इमरजेंसी के उस अभिशाप से लोकतंत्र में से लोकतंत्र को कुचला गया, लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया, डेमोक्रेसी सस्पेंड हुआ, बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तारी की गई और यह था कांग्रेस का शासन और श्रीमती गांधी का शासन। आज हम उस काले दिवस को याद करते हुए कि लोकतंत्र पर कभी इस प्रकार का आघात न पहुंचे, ये हमारा आज का सोच है। आज ही लगा विपक्षी एकता जिसका अभियान पटना में शुरू हुआ। पटना में दो चीज हो रहा था, एक तरफ विदेश मंत्रालय का G20 का बैठक, लेकिन उसी समय एक और चीज हो रहा वो था पटना में P20 का बैठक। तो एक तरफ G20, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी जो 20 पार्टियों का समूह जुटा था, तो G20 तो पास कर गया और P20 फेल कर गया। G20 पास, P20 फेल। विपक्षी एकता का जो प्रयास है ये विरोधाभास है, असहमति का एक प्रतीक है, लोकतंत्र पर एक बड़ा खतरा। आज 25 जून को जिस तरह से देश में इमरजेंसी लगा और काले अध्याय, उसी प्रकार की शुरुआत नीतीश कुमार जी ने पटना में किया है, जो भारत के लोकतंत्र के लिए काला अध्याय का प्रारंभ होने का चेष्टा है। भारत की सरकार तीव्रता से देश की प्रगति में काम कर रही है, नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और पटना जो P20 की बैठक है शुरुआत के पहले ही फेल कर चुके हैं। सर कितना असरदार हो गया बैठक 2024 में बता तो दिया आपको। चलिए, ये है राजू शर्मा जो छपरा से निकल के साउथ अफ्रीका में काम करते थे। और क्या काम करते थे? मैकेनिकल फिटर में। जब वो वापस लौटना चाहते थे, वहाँ काम नहीं करना चाहते थे, तो इनका पासपोर्ट लोगों ने रख लिया। दक्षिण अफ्रीका काफ़ी कम से कम 10,000 किलोमीटर दूर है। इनकी पत्नी गांव पर मुझसे मिली और उन्होंने कहा कि मेरे पति को वहाँ रोक लिया गया है, जो वापस लौटना चाहते थे, फिटर का काम करते थे। वेतन क्या था? 50,000 सैलरी के लिए बिहार से निकल करके ये वेतन वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में थे और इन्हें जोहान्सबर्ग और वहाँ इनकी पत्नी ने मुझे गांव पर खबर किया। हमने एम्बेसी से कांटेक्ट किया, मंत्रालय में बात की, विदेश मंत्रालय में बात किया, पत्र लिखा और भारत की सरकार और एम्बेसी ने वहाँ संपर्क किया जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में उस फैक्ट्री में। जोहान्सबर्ग से कितना दूर है आपका फैक्ट्री? 95 किलोमीटर। वहाँ गई पूरी एम्बेसी की टीम जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में गई, इनका कागज पत्र ठीक किया और वहाँ से उनको वापस भारत भेजा और भारत से ये गाँव चले आए। तो आप खुश हैं? परिवार के लोग खुश हैं? जी, परिवार के लोग पैसा नहीं मिला लेकिन आप वहाँ से छूट में दिया तुरंत, बड़ा जल्दी से अपना टिकट कटा के। चलिए, कम से कम आप आना ही चाहते थे, सबसे पहले वो जरूरी था, वहाँ बंधक बना दिया। चलिए, आप है राजू शर्मा और ऐसे
लाखों लोग बिहार छोड़ करके पेट भरने के लिए और हुनर वाले लोग बिहार छोड़ के गए हैं, लेकिन बिहार में इनके लिए कोई जगह नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बाकी आपका कार्य आगे।